जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में आज एक राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य विषय था साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ। इसके मुख्य अतिथि थे राकेश पाल गोविंद जी और साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के आईपीएस निहारिका भट्ट। The intersection of cybercrime, cybersecurity, and cyber law, which is relevant in today's digital age. Secure our world empowers everyone to understand the simple ways to protect yourself, your family, and your business from online threats. First and foremost, I, on behalf of Jawaharlal Nehru Rajkiya Mahavidyalaya, welcome our esteemed chief guest, Srimati Niharika Bhatt, IPS. Police, who has always been at the forefront of safeguarding our society. We are grateful for your presence, ma'am, and look forward to hear your valuable insights on this pressing issue. जो मेजर दिक्कत आती है इसमें कंप्लेंट है हमारे पुलिस वालों की अच्छी साइबरिटी है और रुकी है। एक्चुअली इस पर डिजिटल कंप्लेंट लॉन्च करना होता है साइबर क्राइम में, लेकिन उसके इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो एक्चुअली अपलोड नहीं हो पाता, वो जो है कंप्लेंट लॉन्च नहीं हो पाती। इवन मेरे पास स्पेशलाइज पर्सन होने के बाद भी मेरा जो है कंप्लीट रूप से वो कंप्लेंट लॉन्च नहीं हुई। तो बाकी जब हम ऑन पेपर देखते हैं तो डिपार्टमेंट जो है कई बार मना कर देता है, मैं प्रिंसिपल हूँ इसलिए मेरा नहीं लिया जाए, नॉर्मल पोजिशन को नहीं लिया जाता। तो मैं डिपार्टमेंट से ये आग्रह करूंगा कि कम से कम ये सुविधा जो आम आदमी है जिसको कोई जानकारी नहीं है, कम से कम उनकी कंप्लेंट लॉन्च की जाए। अब यही कहना चाहूंगा कि इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। हमारे जो है बहुत एमिनेंट स्पीकर्स हैं, लीगल इश्यूज हैं। दूसरी चीज मैं कहा लीगल इश्यूज में सबसे इम्पोर्टेंट आम पब्लिक की है। आम आदमी जो है वो कोर्ट नहीं जाना चाहता। आप एक मंडली भी देखें अंडमान में भी बहुत ही लोग जो है कोर्ट जाने में नहीं डरते हैं, लेकिन यदि मैं यूपी की बात करूँ तो लोग जो है पुलिस के पास भी जाने से डरते हैं। यहाँ तो पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी फ्रेंडली है, जो मैं उनको ध्यान में देखा गया है, काफ़ी बात भी सुनी जाती है, कंप्लेंट करने गया तो बात भी सुनी गई। तो एक ऐसा सॉल्यूशन हो जाए कि जिससे आम आदमी अप्रोच कर पाए, इसका उद्देश्य हमेशा ये है कि हमारे बच्चे, हमारी जो इंस्टीट्यूशन है और हमारी आम पब्लिक किस तरीके से उसको एसेस कर पाए, एक्सेस कर पाए, तो उस बारे में जानकारी देंगे तो एक प्रैक्टिकली जो है लोगों को फायदा होगा। और मैं और टीम जो हमारी कंप्यूटर साइंस की उसके मैं अप्रिशिएट करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया। आज यहाँ पर आए हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे आज की गोष्ठी आयोजित करी गई है, एंड ये जो टॉपिक है साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है फॉर द रीजन कि इट इज अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। आप लोगों में से शायद डिपार्टमेंट को उनको याद होगा आज से 10 साल पहले जो क्राइम होते थे उसमें कोई ओटीपी बता देता था जिससे पैसे चले जाते थे। ओटीपी वाले क्राइम अभी नहीं हो रहे हैं, बट बहुत कम हो गए हैं क्योंकि अब लोगों में जागरूकता आ गई है कि ओटीपी नहीं बताना है किसी को। आपके पास कॉल आता है कि हम वीडियो कॉल पे आपको लेंगे, हम इस नेशनल क्राइम ब्यूरो से बोल रहे हैं और आप वीडियो कॉल पे आइए और आपने ये क्राइम किया और हम आपकी साइबर अरेस्ट कर रहे हैं, जब तक आप हमें पैसे नहीं देंगे तब तक आप बेल आउट नहीं होंगे। ये क्राइम पिछले 1-2 महीने में काफी ज्यादा बढ़ गया है हमारे देश में साइबर अरेस्ट। दूसरा है कि व्हाट्सएप पे लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है कि ये एक लिंक है, इस पर आप क्लिक करिए, जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके आप रिव्यूज डालेंगे तो पर रिव्यू आपको 500 रुपये मिलेगा। सो दैट इज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव स्कैम फॉर स्टूडेंट्स जिनकी अपनी पॉकेट मनी कम होती है, अपना कॉलेज में पैसे चाहिए या फिर जो यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स है जिनकी पहली दूसरी नौकरी होती है एंड दे आर एट द बिगनिंग पे स्केल,
तो उसमें पहले शुरू में आपको रिव्यूज आप भरते हैं, आपके पास 500-500 करके रुपए आ जाते हैं, आपके पास 5-10 हजार हो गए, एंड देन जैसे कि नहीं, अब आपका एक बेस लेवल हो गया है, अब आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो यू हैव टू सबमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विद अस। तो इस प्रकार से ये दो स्कैम्स के एग्जाम्पल हैं जो पिछले 2 महीने में नॉट ओनली इन इंडिया द एंटायर कंट्री बट ऑल्सो इन एडवांस इनके इंस्टेंसेस हमारे सामने आए हैं। So this was just an example that why today's meeting is extremely relevant, क्योंकि ये कोई साइबर क्राइम is not like चोरी डकैती या लड़ाई झगड़ा हो गया, it is a constantly evolving crime। आपको समझ में आता है कि हाँ ऐसे क्राइम हो रहा है, पर अगले हफ्ते ही स्कैमर्स वही नया एक मॉडस ऑपरेंडा इतना लेते आते हैं कि हम इस प्रकार से लोगों का चीटिंग करेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आप लोग यू आर ऑल आर वेरी टेक्नोलॉजिकली सैवी, आई थिंक ओल्डर जनरेशन से ज़्यादा आप लोग स्मार्टफोन्स लैपटॉप्स डिफरेंट एप्स डिफरेंट वेबसाइट्स यू ऑल आर यूजिंग देम सो मच। तो एक तो डोंट गो टू एनी सस्पिशियस वेबसाइट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसी के थ्रू यू गेट दोज मैलवेयर लिंक्स आपकी पर्सनल डेटा गेट्स शेयर्ड गेट्स लीक्ड आउट। एक अभी गुजरात में क्राइम हुआ था जिसमें एक चाइनीज मॉलवेयर था विच वाज सेंड टू पीपल, उन्होंने उसको क्लिक किया तो उनका जितना भी पर्सनल डेटा था इंक्लूडिंग पासवर्ड वो चला गया स्कैमर्स के पास, जिससे 1.5 करोड़ रुपया अकाउंट से निकाल लिया गया। तो डोंट गो टू एनी सस्पिशियस वेबसाइट, भले ही उसमें ये लगता है कि यहाँ पे शॉपिंग करनी है, वेबसाइट पे कई ढेर सारी शॉपिंग वेबसाइट्स भी स्कैमर्स आर यूजिंग। उसके अलावा जहाँ पे भी अपने पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रखे, मैं बहुत बेसिक चीजें बता रही हूँ बिकॉज जो टेक्निकल चीजें हैं दैट आई लीड टू द साइंटिस्ट द लॉयर्स एंड द पर्सन ऑफ साइबर पुलिस स्टेशन, ऑल द पीपल हु आर यूजिंग टेक्नोलॉजी स्पेशली जहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड मनी का इंटरफेस है दैट हैज टू बी डन एंड एनी वेबसाइट वेयर यू आर गिविंग आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है काफी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, इंस्टाग्राम है, फॉर दैट यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। लगता है कि फेसबुक अकाउंट हैक भी हो गया, इंस्टाग्राम हैक हो गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, बट उससे आपका जो आइडेंटिटी थेफ्ट है दैट कैन हैपन फ्रॉम देयर, आपकी फोटोज, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आपके फैमिली में कौन कौन है, इससे भी स्कैमर्स कहते होंगे कि हाँ इंस्टाग्राम में दिस पर्सन लग रहा है कि अपनी मदर की क्लोज है, तो मदर के पास कॉल करते हैं कि आपका बेटा जो चोरी करके पकड़ा गया है इसकी अरेस्ट हो गई है, आपको बेल करने के 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये स्कैम को सुना है किसी ने? ये स्कैम बहुत कॉमन हो गया है, इनफैक्ट मेरे एक आध रिलेटिव के साथ भी ये वाला स्कैम मेरे खुद के कजिन के साथ हुआ है पिछले 2-3 महीने में। थैंकफुली सिंस आई एम द पुलिस मेरे पास तुरंत कॉल आ जाता है कि ऐसा कुछ है, बट देयर इज अ नीड फॉर अवेयरनेस इन दीस थिंग्स। तो आपका फर्स्ट स्टेप है यू हैव टू मेक योर पोर्टल्स वेरी वेरी सिक्योर इन टर्म्स ऑफ पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन। बिकॉज द यूथ ऑफ दिस आईलैंड, आई एम कंसर्न्ड टू माय आईलैंड, शुड नो व्हाट इज साइबर क्राइम, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज साइबर लॉ। And basically for the girl child, who are like my daughters over here, please keep in mind, this is very peculiar situation we are facing nowadays. And the girl should know how to use your mobile phone and the digital world. Because in the early 90s we had pager. In 97, 98 if I am not wrong, there was a launch of mobile phone. And that was the era that has caused the legislative persons to think over the issues. Why do we need a cyber law? In the year 2000, if I am not wrong, K.R. Narayanan, the then President of India, he passed this bill and he said that we need this law. Now basically, to be very candid and clear before you all, we don't have any law called cyber law. पहले मैं साइबर को रिपोर्ट कैसे करना है उसके बारे में बता दूं। मुश्किलों का सामना करना पड़ा साइबर को रिपोर्ट करने के लिए, तो शायद प्रिंसिपल सर को पता नहीं था कि हमारी हेल्पलाइन है 1930 जिसपे सिर्फ आपको कॉल करना है, आपको स्टेशन भी विजिट नहीं करना है, आपको बस 1930 आप नंबर चाहे तो नोट कर सकते हैं, आप इस पे कॉल करिए और हमारा 24/7 स्टाफ जो है वो हमारे पुलिस स्टेशन में रहता है और 24/7 आपकी जो भी कंप्लेंट हो साइबर रिलेटेड वो उसको नोट करते हैं, उसको पोर्टल में अपलोड करते हैं, आपको खुद से अपलोड करने की जरूरत भी नहीं है अगर आप 1930 में कॉल करें। इसके अलावा अगर आप 1930 में आपकी कॉल नहीं लग रही है
तो हमारी एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी है साइबर प्रिवेंशन के लिए, आप चाहे उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, 9531856083। ये भी 24x7 मॉनिटर होती है और स्टाफ हमारा वहाँ 24x7 प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा अगर आप लोग खुद से साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो चार चीजें आप अपने पास सबसे पहले तो रेडी रखिए, उसके बाद आप रिपोर्ट करिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। सबसे पहला तो है आपके पास अपने बैंक अकाउंट का डिटेल होना चाहिए जिससे पैसे जो है निकलकर दूसरे अकाउंट में गए। दूसरा, अगर किस मीडियम से आपने पैसे दूसरे को भेजे हैं, आपने UPI से भेजा है, आपने नेट बैंकिंग यूज करी है, आपने RTGS किया है, NFT किया है, किस मोड का इस्तेमाल कर आपने पैसे भेजे हैं, दूसरा उसको रेडी करना है। तीसरा, आपके पास अपनी एक कोई भी ID होनी चाहिए, आपका आइडेंटिटी कार्ड कोई एक होना चाहिए। चौथा है, किसको आपने भेजा है और कब भेजा है, कौन से अकाउंट में आपने भेजा है, कौन से UPI ID में भेजा है, कितने बजे और कब भेजा है। ये चार चीजें आप अपने पास रख के आप 1930 में कॉल करिए या हमारी जो दूसरी साइबर हेल्पलाइन प्रिवेंशन नंबर है आप उसमें कॉल करिए या वेबसाइट है cybercrime.gov.in, इस पे भी आप विजिट करके अपने जो साइबर क्राइम की कंप्लेंट है उसको लॉन्च कर सकते हैं और हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगता है। एक बात बताइए मुझे, कितने लोगों ने ATM का जो पिन कोड है वो लास्ट 1 मंथ में चेंज किया? रेयरली मेरे ख्याल से 1% लोगों ने ATM का पिन जो है चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो वल्नरेबिलिटी जो है बढ़ जाता है, जैसे कि अब कुछ अब तक सबको पता है कि ATM का पिन जो है पीरियोडिकली चेंज करना पड़ता है, ठीक है। एक जो पिन जो 4 डिजिट का नंबर होता है उसको हम ATM में जाके जब भी हम कैश निकालते हैं और वहाँ पे कई बार जो है ATM में फॉर्म भी करता है कि ATM का पिन जो है बार बार चेंज करना है, लेकिन उसके बावजूद कई आप खुद देख सकते हैं कि करीब इतने लोगों में से सिर्फ 1% लोगों ने ही अपने ATM में जो पिन नंबर चेंज किया है, ठीक है। इस चीज से ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग ही जो है जो साइबर क्रिमिनल्स को है जो बढ़ावा देते हैं, अपने जो साइबर सेफ प्रैक्टिसेस है तो हम इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे रेगुलरली अपना पिन नंबर चेंज करना है, अपने बैंकिंग पासवर्ड्स को जो है रेगुलरली चेंज करना है, या फिर सोशल मीडिया जो हैंडल्स है उसके पासवर्ड्स वगैरह को जो स्ट्रांग रखना है, ये सब पे हमेशा जो बहुत लथार्जिक हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है साइबर क्रिमिनल्स जो है उसको एक्सेस कर पाते हैं, उससे जो है गलत इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि लास्ट 1 वीक के अंदर में ही आपको कई सारे ऐसे कॉल्स आए होंगे जो स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे कॉल्स स्पैम कॉल्स आते रहे होंगे। हम क्या करते हैं उनको, या तो हम अगर हमें पता चल जाता है कि जो स्पैम कॉल्स है या तो हम अनदेखा कर देते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, या तो फिर जो उसके विक्टिम हो जाते हैं वो कुछ ना कुछ पैसे जो है गवा देते हैं, उसके बाद वो कंप्लेंट करने के लिए आते हैं। आपको पता होगा संचार साथी की एक वेबसाइट है, संचार साथी का वहाँ पे एक पोर्टल है चक्सू का, वहाँ पे अगर आपको स्पैम कॉल्स वगैरह आते हैं तो वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं आराम से वहाँ पे, ठीक है। आपके पास एक OTP शेयर करना होता है वहाँ पे और जो भी स्पैम कॉल्स है उसको आप जब रिपोर्ट करोगे तो वो जो नंबर हो उसको वेरीफाई करने के बाद में संचार साथी पोर्टल ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। तो इससे यह होगा कि जो क्रिमिनल्स वो नंबर यूज कर रहे हैं, जो बार बार आपको किसी न किसी को साइबर क्राइम करने के लिए यूज कर रहे हैं वो नंबर बंद हो जाएगा, तो उनको आगे उस नंबर का इस्तेमाल करके साइबर क्राइम नहीं कर पाएंगे। क्राइम्स और साइबर सिक्योरिटी का जो आज प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस ने किया वो एक करंट टॉपिक था और उसकी नीड आज समाज को है। आम आदमी पीड़ित हो रहा है साइबर क्राइम से, तो उसमें जागरूकता पैदा करने के लिए हमारी एक पहल है और इसमें काफ़ी स्पीकर्स ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, तो मैं समझता हूँ कि इसका रिफ्लेक्शन काफ़ी आएगा और जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हमसे और अच्छे अच्छे पढ़े लिखों से होती है, जैसे कोई ऐप आता है, जैसे यदि आप देखें कि कभी कभी फोन में आएगा जंक क्लीन करके, हैं आदमी फटाफट उसको डाउनलोड करके और क्योंकि इतना वो कर देते हैं कि आपका फोन बंद हो जाएगा, तो इसमें ये भी हमें मालूम पड़ा कि जो है भाई
इस तरीके से कोई भी ऐप को डाउनलोड नहीं करना है। तो मेरी आम पब्लिक से यही सलाह है कि कोई भी ऐप जो है इस तरीके से डाउनलोड ना करें। और हम लोग सभी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, साइबर क्राइम अपने आप में एक देश को खोखला करने का प्लान है, और हम यदि आगे बढ़ेंगे यानी कि कोई भी हमारा क्राइम इस तरीके का नहीं होगा जो दिखाई नहीं दे रहा, यानी साइबर क्राइम दिखाई नहीं देता और हो जाता है, तो उससे हम सफल होंगे। तो मेन क्या है कि हमारा एक यही प्रयास था कि हमारे आइलैंड के बच्चे जागरूक हों और ये हमारा मैसेज पहुंचाए। मैं अंडमान लाइफ के लिए कैमरामैन नीरज के साथ सौरभ।